कवर्धा जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में एक किसान के बाइक की डिक्की से शातिर बदमाश चोर ने 1,75,000 रुपए की उठाई गिरी कर फरार हो गया। पीड़ित किसान ने मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज जब्त किया है, जिसमें उठाई गिरी करते आरोपी नजर आ रहे हैं। बिलासपुर के सरकंडा पुलिस ने रजिस्ट्री की रकम लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी सतीश सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कराया गया है। राजकिशोर निवासी अविनाश पेशवानी ने लिखित शिकायत कर बताया था कि रुपए लेकर सतीश सिंह जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा था। रायपुर के एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल की टीम ने मुखबिर की सूचना पर टिकरापारा थाना अंतर्गत पचपेड़ी नाका स्थित ओवरब्रिज के नीचे बैग लेकर खड़े एक व्यक्ति अमन कुमार मिश्रा दिल्ली निवासी से 1.5 लाख कीमत का 15 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी कहीं जाने की फिराक में था। रायगढ़ जिले की खरसिया चौकी पुलिस ने रात में होटल व लॉज की जांच के दौरान एक होटल से एटीएम टेम्परिंग करने वाले उत्तर प्रदेश निवासी अनुराग यादव नामक युवक को पकड़कर उसके पास से 11 बैंक खाता लिंक युक्त फोन पे इंस्टॉल मोबाइल वन पल्स, एक सैमसंग मोबाइल, 28 एटीएम कार्ड, 2 अन्य लोगों के आधार कार्ड, आरोपी का पैन कार्ड एवं चुनाव परिचय पत्र जब्त किया है। अभनपुर के भरेंगा चौक पर ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार अभनपुर की ओर जा रहा था, तभी हाईवा ने उसे ठोकर मार दी। मृतक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने बाइक और स्कूटी सवारों को रौंद दिया। इससे एक पार्षद के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बिलासपुर की आरपीएफ व जीआरपी की टीम ने गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध अवस्था में खड़े कटनी निवासी युवक प्रदीप चौहान को पकड़कर उसके बैग से 20,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया है। बीएसपी के एसएमएस 2 में शनिवार को फिर से हादसा हो गया। 120 टन का हॉट मेटल का लेडल ऊंचाई से गिरने से इसकी चपेट में 5 कर्मचारी आ गए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को मेन मेडिकल पोस्ट लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सेक्टर 9 अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई थी। बालोद जिले के स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भूमिका पैथोलॉजी को सील कर दिया है। भूमिका पैथोलॉजी लैब कई सालों से अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद एसडीएम, तहसीलदार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों और नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच की गई, जिसके बाद उक्त पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। बिलासपुर की सरकंडा थाना पुलिस और एंटी क्राइम यूनिट के साथ साइबर टीम ने झारखंड के जामताड़ा से ठगी के 2 आरोपियों हरि मंडल व सचिन मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने प्रार्थी नरेंद्र कुमार स्वर्णकार के खाते से 52,93,699 रुपए का ट्रांजेक्शन कर धोखाधड़ी की थी। धमतरी में आपसी लड़ाई से आक्रोशित 2 युवकों ने शादी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे 3 से 4 लोगों पर एसिड फेंक कर दांत से काट कर हमला कर दिया। इस हमले से 3 से 4 लोग झुलस गए हैं। दुगली थाना में रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से 1.5 लाख की ठगी के मामले में रायपुर की सिविल लाइन पुलिस ने जल संसाधन विभाग के सहायक अधीक्षक डीपी गेडाम को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लक्ष्मी नगर निवासी प्रतिमा वरठी से सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए लिए थे।
महासमुंद में NH-53 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार दो युवक घटना के दौरान कार से निकलकर बाहर फेंका गए और गंभीर चोट लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोरबा की रामपुर पुलिस चौकी में शर्मनाक हरकत कर महिला को परेशान किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने महिला को अश्लील इशारा और पीछा करने वाले आरोपी दीपक दास को गिरफ्तार कर लिया है। विश्रामपुर नगर के शांतिनगर कॉलोनी स्थित अनिकेत सिंह के सुने आवास का 5 ताला तोड़कर 15,000 रुपए नकदी समेत 25,000 रुपए लागत के जेवरातों की चोरी करने के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा जिले के हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में सवार 30 लोगों को चोटें आई है। इनमें 12 लोगों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रिफर कर दिया गया है। कोरबा जिले के रामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत दुकान व अस्पताल की कैंटीन से हुई चोरी के मामले में आरोपी गणेश दास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों स्थान में एक ही युवक ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से नगद राशि व रॉड बरामद किया है। रायगढ़ जिले की घर घोड़ा पुलिस ने खरसिया धर्मजयगढ़ रेल विद्युतीकरण कार्य के कैटेनरी तांबा तार कॉन्ट्रैक्ट तांबा तार को चोरी करने वाले दो आरोपियों दया दास और रंजीत कुमार कुर्रे को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव जिले की चिल्हाटी पुलिस ने शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपियों महिला के पति गोपाल लाडे व जेठ हेमेंद्र लाडे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राजनांदगांव जिले की गातापार पुलिस ने अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को पकड़कर उनके पास से 7,600 रुपए कीमत की 95 पौवा देशी शराब जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में पुत्र का आधार कार्ड बनाने जा रहे साइकिल सवार पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। धमतरी जिले कुरुत थाना क्षेत्र में मुफ्त शराब पीने के आदि दो युवकों ने एक युवक को अपने लिए शराब खरीदने कहा। जब युवक ने शराब खरीदने से मना कर दिया तो दोनों आरोपियों ने गाली गलौज करते हुए उन पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में ईंट से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठा एक मजदूर उछलकर गिर गया। दुर्घटना में मजदूर चक्के के नीचे आ गया। इसे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शौक को पूरा करने एक नाबालिग बालक ने गोदाम में रखे विभिन्न प्रकार के एयर पिस्टल समेत कई सामग्रियों की चोरी कर ली। चोरी की सामग्री को 3 लोगों ने रख लिया जबकि नगद को नाबालिग आरोपी ने रखकर नई बाइक खरीद ली। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक व्यापारी के गोदाम में छापा मार कर 9,66,000 रुपए का अवैध गुटखा जब्त किया है। अर्जुन रेसिडेंसी रोड स्थित गोदाम में अवैध गुटखे होने की सूचना पर शनिवार को गोदाम में दबिश देकर तलाशी लेकर गुटखे को जब्त किया गया है। धमतरी जिले के कुरुत थाना क्षेत्र में एक सरफिरे युवक ने एक तरफा प्यार में 2 नाबालिग सहित उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी चाकू तालाब में फेंक कर फरार हो गया। सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है। ज-
जांजगीर चांपा जिले के एक निजी स्कूल संचालक आलोक अग्रवाल से ठगी के मामले में कोतवाली पुलिस ने पटना बिहार से चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके दो साथी फरार बताए गए हैं। आरोपियों ने सीएसआर फंड से 10 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर स्कूल संचालक से 10 लाख रुपए ठग लिए थे। बीजापुर जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिले के केरलापाल एरिया कमेटी के एलओएस कमांडर 5 लाख रुपए की इनामी नक्सली सोमली सोड़ी उर्फ वनिता ने शनिवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजापुर में मतांतरित ककिम कुटुम परिवार के लोगों ने घर वापसी कर पुनः आदिवासी समाज को अपना लिया है। मतांतरित 30 लोगों के घर वापसी पर आदिवासी समाज के लोगों ने समाज के रिवाज अनुसार शुद्धिकरण करवाकर समाज में उनका स्वागत किया है। रायपुर से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र में रंजिश के कारण चाकू से वार कर हरिश्चंद्र यादव की हत्या और जानलेवा हमला करने के 4 आरोपियों राजू बंजारे उर्फ राजू पठान, आकाश मरकाम, प्रकाश सोनी और आकाश बाग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।